जाने क्या जाने। जय श्री राधे। तो ये आप देख सकते हैं आज कितना अच्छा मौसम है, और मैंने सोचा ये कैप्चर कर लूँ और आपसे शेयर करूँ। रात को बारिश हुई थी और मौसम इतना अच्छा हो गया है। सुबह के बज रहे हैं 6 और ये देख सकते हैं आप मौसम का हाल, और बहुत अच्छा। ये ना धुंध सी पड़ी। तो भी कैसी है मेरी YouTube फैमिली, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। मैं जैसे ही घर आई तो फिर मुझे सब्जी बनानी थी जल्दी जल्दी में, और चाय भी बनानी थी उनको। तो यहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी है फ्रांस बीन और आलू की, जो कि मेरी क्यारियों में लगी है फ्रांस बीन। और वो सब्जी एक साइड मैंने तड़का डाल दिया है और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं चाय। वो पियेंगे, मैं पीऊँगी। और हल्की हल्की लगी है बाहर बारिश, क्योंकि मैं जब वॉक करने से वापस आई थी तो तभी थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी लग पड़ी थी। तो बड़ा मुश्किल है, वो बोल रहे थे कि चाय बना दे फटाफट, क्योंकि उनको फिर जाना था अपनी गाड़ी को सड़क तक चढ़ाने, क्योंकि बारिश में हमारी सड़क, जो कि मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे उन्होंने नालियां बनाई हैं और कितनी पक्की हुई है सड़क, कितनी नहीं हुई है। तो उनको जो है वो गाड़ी जो है वो घर से चला के ऊपर जो मेन सड़क है वहाँ पर खड़ी करनी थी, उसके बाद फिर वो जाएँगे, वापस आएंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे गाड़ी मतलब अपने काम पे। क्योंकि बारिश हो जाए ज़्यादा तो फिर ये गाड़ियाँ नहीं चढ़ती हैं सड़क तक। यहाँ पे पिछले दिन शाम की क्लिप है, जो कि मैं नदाई करने आई थी खेत में। मुझे मना किया गया था कि तू खेत में मत जाना, और यहाँ पे मैं अंशु को बोल रही थी कि मैं नहीं करूँगी तो तू और तेरे पापा करेंगे क्या। तो अंशु बोल रही थी कि नहीं, पापा ने जब मना किया है तो आप क्यों जा रहे हो। तो बस यहीं पर मैं उसको बोल रही थी कि कौन करेगा। तो वो बस शाम को फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू क्यों गई थी खेत में। तो मैंने बोला कि चलो, थोड़ा थोड़ा ये होता है कि टाइम भी पास हो जाता है और अच्छा लगता है शाम के टाइम खेतों में। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, नदाई तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया था ऐसे ही। और अच्छा लगता है खेतों में आना कभी कभार जो है। और यहाँ पर बस मेरी नदाई होगी, बचा तो आधा खेत है अभी, लेकिन चलो देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है, होता भी है या नहीं होता है। बस फिर शाम के टाइम अंशु कह रही थी मम्मी मच्छर खा रहे हैं खेत में, तो मैंने कहा चल फिर चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे बज गए थे कम से कम कोई 7:30-8 हो रहे थे, तो हम वापस आ गए थे और बॉटल भी पानी की ले गए थे। और बस फिर वापस आ गए, फिर रात का खाना बनाएंगे। और तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैंने जो चपातियाँ थी ना वो सुखा ली हैं, मतलब बच जाती है ना, जैसे खाना बनाते हैं तो एक चपाती बच गई, दो चपाती बच गई, तो ये एक दो दिन की चपातियाँ हो गई थी। और मैंने जो है वो उनको धूप में सुखाने के बाद टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं इनके, और मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लूँगी अब। ये जो है स्टोर करके रख लूँगी और फिर चिड़ियों को या चींटियों को जो है वो डालने के काम आ जाएगा। उनका खाना मतलब तैयार कर लूँगी मैं, जहाँ मुझे दिखती हैं वहाँ मैं डाल देती हूँ उनको। फिर से पतला पतला हो गया है, कभी कभार जो है वो दलिया वगैरह भी ले आए रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर चपातियाँ सूख गई थी, सुखा ली थी मतलब मैंने कूद दी धूप में। तो उनको ग्राइंड करके जो भी मेरे को चींटियाँ दिखेंगी घर के आसपास, उनको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो डाल दिया। चप्पल ये तुम दोनों के पास है, मैक्स को तो खरीद दी नहीं है और अंशु को भी नहीं खरीदी है चप्पल, अंशु बेचारी नंगे पैर ही रहती है। दूर हो नहीं जाना, नेड़े नेड़े ही थी सुसु करना इस, बस तिंगे चला दे, तिंगे चल पौधा बचा। मैक्सी बहू आएगी,
वो आएगी छे बहू बहू आएगी छड़ दे गला ते छड़ दे जरा कि सूसू सासू करना होगा ना छड़ दे गया था खुला कहाँ छोड़ा तूने अभी अरे उधर पैदल मैक्स इधर देखो इधर देखो हेलो गंदे इधर आ इधर इधर आ इधर एच 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 देखो वाला इधर देखो ये देखो इधर इधर देखो मैक्सी डॉली को ढूंढ रहा है मैक्स मैक्स देख रहा है कि डॉली नहीं दिख रही है डॉली बैठती है उधर ओ ऊपर उधर जहाँ पे कपड़े डाले हैं ना सूखने वहां पे बैठती है डॉली और अब देख रहा है देखो उसको कि बाहर नहीं निकली वो फ्रेंड बन गई है मेरे मैक्सू की डॉली चलो कोई तो फ्रेंड बना यहाँ पे सारे दुश्मन बन गए हैं इसके हैं हाँ बाकी तो सारे इसको खाने पड़ जाते हैं एक तो दोस्त बना मेरा एक तो मेरे पुत्तू का दोस्त बना तो फ्रेंड्स ऐसा है कि दोपहर को हमें काम कुछ होता नहीं है तो मैं और अंशु जो है वो बस ऐसे ही मस्ती करते हैं दिन में कभी कुछ ये थोड़ी सी क्लिप मैंने शेयर की है आपसे नहीं तो ऐसे तो हम बहुत कुछ ऐसे दोनों माँ बेटी जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं दोपहर को कुछ भी मतलब नया नया जो है वो हम करते रहते हैं तो बस यही है कि खुश रहना चाहिए जैसे भी रहना चाहिए जहाँ हमारा जो हमारा मन करता है वो हमें करना चाहिए और ये देखो सीढ़ियों पे ऐसे मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने फिर शाम के टाइम और एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना शाम का टाइम है यहाँ पे भी मैं शाम को कर रही थी और सफाई तो आपको पता ही है अपने घर के आसपास तो सफाई रखनी चाहिए सफाई अच्छी भी लगती है देखने में और बीमारियाँ भी दूर रहती हैं और डर भी नहीं लगता है सांप सूंघ का तो इस तरह से ये कर रही थोड़ी सी हुई थी मेरी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी फिर मैंने सोचा नीचे से रह गई थोड़ी सी उसको मैं देखती हूँ कल करूँगी तो आज जितना हुआ वो ठीक है बस फिर उसके बाद जो है वो खाना बनाया और पूजा की पहले तो पूजा की उसके बाद ही फिर डिनर हुआ था बनाया था सॉरी तो आज बनाया मैंने दाल चावल चने माँ की दाल और खट्टा माणी तो माणी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की आपसे क्योंकि एक बिल्कुल ही सिंपल सी बनाई थी मैंने इसलिए नहीं शेयर कर पाई और आम जो थे वो पक गए थे तो बस मैंने ऐसे ही उनको तड़का लगाया और ऐसे ही बस यहाँ पे मेरी पूजा शुरू हो गई थी शाम की और ये कर रही हूँ मैं जय ध्वनि क्योंकि ये करनी होती है सुबह शाम हमें पढ़ना होता है ये तो ये कर रही थी मैं और बस जी आज का ब्लॉग इतना ही था तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आज का तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में तब तक के लिए राधे राधे जी।